गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलो नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री साधु महाराज जी, अन्य वैष्णव वैष्णवी, माता पिता, भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कथकल हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री परीक्षित महाराज कली को इसलिए उन्होंने स्थान दिया है कि ये जो कलियुग है ये कलियुग कोई साधारण कलियुग नहीं, कहते ये धन्य कलियुग है। जिस कलियुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होकर के आप पामारे पामरे उन्होंने कोई दीन हीन पापी तापी कुछ भी नहीं देखा, सबको उन्होंने मुक्त हस्त से भगवान का उन्होंने प्रेम प्रदान किया है। इसलिए हमारे एक वैष्णव एक बड़े सुंदर भजन लिखते हैं, के जा भी रे भाई भव सिंधु पार। कौन चाहते हैं ये भव सागर से पार होकर के भगवान का चरण में पहुंचना कौन चाहते हैं? बोले धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार। ये धन्य कलियुग है जिस कलियुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए। इसलिए भागवत का एकादश स्कंध में बताए, जब श्री नेमी महाराज ने प्रश्न की कलियुग में अवतार कौन है और उनको किस रूप में भजन करनी चाहिए, तब नब्बे जोगेंद्र कहते हैं बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधस। बोले कलियुग में जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति होंगे क्या वो भगवान को कैसे आराधना करेंगे? बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्ण। बोले कृष्ण ये जो दो अक्षर जिसको जीवा में हर समय उच्चारण करेगा, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा राम राघव राम राघव राम राघव रखना। इसलिए स्वयं भगवान होते हुए भी भगवान स्वयं अपना नाम को जप करते थे। बोले उनका अंग कांति शरीर का रंग कैसे होएगा? बोले अकृष्ण। बोले कृष्ण नहीं काले नहीं वो श्री गौर हरि बन करके आएंगे। गौर मतलब राधा रानी गौरी, हरि मतलब कृष्ण। कलियुग में ये राधा कृष्ण दोनों मिलकर के श्री महाप्रभु रूप में आएंगे। बोले क्या वो अकेले आएंगे? बोले नहीं अकेले नहीं आएंगे, कहते सपार सदस्यो धाम सह अवतरी, वो अपना परिक्रम को साथ में आएंगे। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, कहते अपना परिक्रम को साथ में लेकर के आएंगे। बोले कलियुग में इनके अस्त्र क्या होगा? बोले इनका जो अस्त्र है ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, ये कलियुग में अस्त्र। बोले ये अस्त्र कैसे? अस्त्र से तो काटते हैं। बोले हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य बैठा हुआ ये कृष्ण नाम रूपी तलवार से क्या करते हैं? ये सारे अनर्थ को ये नष्ट करेंगे। इसलिए कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होएंगे बोले नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान श्री गौर हरि को भजन करेंगे। बोले ये भागवत में ये कब का ये बात है? बोले ये सत्य युग की बात है, अभी की बात नहीं।
इसलिए कलयुग ऐसे युग आ गया ना, थोड़ी सी कोई चमत्कार दिखा दे, कोई रिद्धि सिद्धि दिखा दे, हम उसको भगवान बोल करके पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं। अरे नहीं, भगवान ऐसे थोड़ी आते हैं। जैसे यहाँ मोदी आएगा, ऐसे मोदी थोड़ी आ जाएगा। साधारण प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए कितना उसके लिए अरेंजमेंट होता है। पहले उनकी पुलिस लोग आ जाएंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ उतरेगा, क्या करेगा, पहले डिटेल्स रूप में पता चलता है कौन सा फ्लाइट में कहाँ उतर करके आएगा। साधारण एक प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने सरंजाम, जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक जो भगवान, तो उनके लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते कलयुग में भगवान कौन है, श्री सच्चिदानंद गौर हरि। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए उन्होंने कलयुग को चार जगह पर स्थान दे दिया। कलयुग में कोई भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनको चार नियम का पालन करनी चाहिए। जुआ नहीं खेलनी चाहिए, नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करनी चाहिए, और जीव हिंसा, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एक दिन श्री परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए, इतने जोर से उनको प्यास लग रही थी, कभी जिंदगी में लगी नहीं। देखा श्री ऋषि भजन करते हुए ऋषि को देखा, हाँ श्रमिक ऋषि को, सचमुच से वो भजन ही कर रहे थे। उनको उन्होंने पानी मांगा, लेकिन उनका ध्यान टूटी नहीं और उन्होंने गले में मरा हुआ सर्प को डाल दिया। जब उसकी बच्चे को श्रृंगी ऋषि को पता चला, उसने कौशल नदी का पानी को लेकर के मंत्र पुत्र करके उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जिसने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प को डाला, मैं उसका अभिशाप देता हूँ, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। जब उन्होंने इतने अभिशाप दे दिया, अभी पिताजी की नेत्र खोल गई। बोले बेटा क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले फिर क्या हुआ, बोले मैंने अभिशाप दे दिया। बोले नालायक, तेरे को पता है परीक्षित महाराज कौन है, ये कृष्ण की कृष्ण भक्त है, ये अभिमन्यु का ये बेटा है, और जिसने मातृ गर्भ में भगवत दर्शन किया, परम संत है, इनकी कृपा से ही हम भजन कर रहे हैं। हमारे आश्रम में आए, एक तो स्वागत किया ही नहीं, उल्टा अभिशाप दे दिया। बोले आज से मैं भी ये ब्राह्मण समाज को अभिशाप देता हूँ, ये ब्राह्मण का बाक जो बाक शक्ति आज से खत्म हो जाए। बोले तभी से ये ब्राह्मण का जो बाक शक्ति, तभी से ये सारी खत्म हो गया है। तब यहाँ हमारे टीकाकार लोग कहते हैं कि तो भैया अभी तक तो परीक्षित महाराज आकर के चिल्ला चिल्ला करके गला फट गया, इसकी आंख खुली नहीं, और अपना बेटे आकर के थोड़ा रो लिया तो आंख खुल गई। इसका मतलब क्या, ये बेटा और परीक्षित महाराज कोई दूसरे थे? बोले नहीं। बोले कारण है, कहते ये दो कारण से उनकी नेत्र खुली है। पहला कारण है, श्री परीक्षित महाराज परम कृष्ण भक्त थे। अगर कोई भक्त आपके दरबार पर आए, अगर उनका सम्मान नहीं किया जाए, बोले हंती निंदंती वैदृष्टि वैष्णवानां जे अभिनिंदन्ति क्रुद्धते जाति न हर्ष दर्शने पतनानि सत। बोले ये छह व्यक्तियों का पतन होता है, जो वैष्णव को जो बध कहते हैं, वैष्णव को जो निंदा करते हैं, वैष्णव को जो अनादर अभिवादन नहीं करते हैं, उनको देख करके जो प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं छह व्यक्तियों का पतन होता है, हैं? इसलिए परीक्षित महाराज परम वैष्णव है, उनको देख करके पानी तक भी नहीं दिया। इसलिए क्या हुआ, उनकी भक्ति नीचे उतर आई और उनका ध्यान टूट गई और देखा बच्चे को रोते हुए। दूसरा कारण है, पहले जब भक्त लोग को भजन करते थे, ऐसे नहीं हमारे जैसे भजन है, पांच मिनट गुरु मंत्र के लिए जब के लिए बैठा तो मन इधर उधर भटक रहा है, मन कहीं मंत्र में नहीं, पहले ऐसे भजन नहीं करते थे संत लोग। जब समाधि में बैठते थे, महीना महीना तक उनकी ध्यान लग जाती थी। अभी जोग माया ने देखा, इनको निमित्त करके ही जगत में ये भागवत ग्रंथ प्रकाश होने वाले, और परीक्षित महाराज को जब पता चलेगा तब तो राज्य छोड़कर जाएंगे।
फिर तो सुखदेव गोस्वामी आएंगे, फिर तो भागवत कथा होगी। इसलिए जोग माया ने किया कि इनकी जो ध्यान को उन्होंने तोड़ दिया। बेटे गुरुदेव ये देखा, बोले बेटा कम से कम परिकृत महाराज को इतना सूचित कर दो जो तुम्हारे पास में शांति भी नहीं है, इतना तो उपकार करो। एक गौरमुख है नामक ब्राह्मण बालक को उन्होंने भेज करके परिकृत महाराज ने जब सूचित की, परिकृत महाराज दुखी नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए? बोले कारण है, मरने से एक मिनट पहले देखना हमें पता नहीं चलता हम मरने वाले, लेकिन ठाकुर जी के आशीर्वाद तो देखो, ठाकुर जी हमें सात सात दिन हैं, सात सात दिन पहले सूचित कर दिया तुम्हारे पास में केवल सात ही दिन है। और पहला कारण है, अगर कोई अपराध कर डाले, अगर उसको दंड मिल जाता है, समझना उसका अपराध दूर हो गया। अगर दंड नहीं मिलता है ना, फिर तो नरक जाना पड़ता है। इसलिए परिकृत महाराज सोच रहे थे, कहा मैं अर्जुन का वंशज है और इनकी वंश में हर समय हमारे वंश के लोग ब्राह्मण संतों को आदर किया है, हमें कैसे एक अवतार का मैंने जन्म लिया और ये संतों को ब्राह्मण को मैंने अनादर किया है, इसलिए मुझे कोई दंड मिलनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने सुना, उनको पास में कुल सात दिन, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना बेटे को राज सिंहासन पर बैठा करके उन्होंने प्रायोपवेशन किया। अगर हमें पता चले ना सात दिन में मरने वाले, हम क्या करेंगे? भैया जितने हो बढ़िया बढ़िया खा पी करके हैं, जैसे हो खा पी करके ऐसे करके भोग सुख करके बिता दो, सात दिन बाद तो मरना है। लेकिन परिकृत महाराज ने ये काम नहीं किया। परिकृत महाराज हैं, इन्होंने राज्य को छोड़ करके सुकरताल, वहीं पर उन्होंने गंगा जी को आश्रय लिया। गंगा भगवान की चरणामृत, भगवान की चरणामृत और भगवान का चरण में कोई फर्क नहीं, माना उन्होंने ठाकुर जी की चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। उस समय कोई टेलीफोन टेलीग्राफ नहीं होता था, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में दिव्य ज्ञान हुआ करता था। सारे ऋषि समाज को पता चला यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होगी, वहां पर 88,000 ऋषि लोग आए। परिकृत महाराज बोल रहे हैं, लगता है मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, मेरे ऊपर में संतों का कोई आशीर्वाद है, क्योंकि जीवन में एक संत दर्शन हो जाए ना, कभी जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो 88,000 ऋषियों का यहाँ समागम है। उन्होंने प्रसन्न हो गए, उन्होंने प्रसन्न होकर के उन्होंने परिकृत महाराज को वो प्रश्न करते हैं, हैं? बोले हे सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, बोले हे सुखदेव गोस्वामी, अद्य वा अब तो शतांत वा प्राणी वही मृत्यु नाम ध्रुव, आज हो कल हो परसों हो बरसों हो, एक दिन सबको शरीर छोड़ना, एक दिन मरना, क्योंकि जगत में ये मरते जगत है, यहाँ पर सबके सब मरने के लिए आते हैं, एक दिन सबको मरना है। ऐसे जो मरणशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, आप कृपा करके बताओ। तब श्री जितने ऋषि लोग थे, बोले नासो मुनिर जस्य मतम न भिन्न, ऐसे कोई ऋषि मुनि नहीं थे जिसका मत कोई अलग नहीं था, सबका मत अलग अलग था, सबका मत। अभी सब ऋषि समाज आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, कोई कहते हैं भैया सिद्धिदाता श्री गणेश जी को क्यों उपासना नहीं करते हो, सारे विघ्नों को विनाशन करने वाले, कोई कहते भैया नवदुर्गा की व्रत क्यों नहीं करते हो, कोई कहते हैं मृत्युंजय कवच को क्यों पाठ नहीं करते हो, बोले भैया कोई 9 दिन, कोई 49 दिन, कोई 12 दिन, इनको पास में कुल 7 दिन ही है। परिकृत महाराज ने देखा, यद्यपि अगर सारे शास्त्र को विचार करे तो वो एक ही सिद्धांत पर पहुंचेंगे। सिद्धांत क्या है? स्मर्तव्य कृतित्वस्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर ये जगत में कोई अभय बनना चाहते हैं, भगवान कथा को स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो और उनको है उनकी पूजा करो, लास्ट में एक ही सिद्धांत में पहुंचेंगे। लेकिन कहा वर्षा जब कृषि सुखा है, मेरे पास में कुल 7 दिन है,
अगर ये लोग आपस में तर्क वितर्क करते करते अगर समय को बिता दिया, अरे मेरा गया समय गया। इतने में उन्होंने हृदय से भगवान को उन्होंने स्मरण किया, स्मरण किया तो भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की बोले तन दष्ट वर्षा सुकुमार पादम। कहते कितने उम्र था, बोले 16 साल की। देखने में कृष्ण ही जैसे थे, इतने सुंदर रूप वो देखने में थे। कभी कृष्ण प्रेम में नाच रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी लौट पौट उखा रहे हैं। लेकिन एक साधारण बालक उनको ऊपर में धूल झोंक रहे थे, लगता है कोई पागल का नहीं। स्त्रियां तो देख देख करके बाबरी बन गई थी, बोले काम देव जैसे रूप, लेकिन ये पागल है। लेकिन ऐसे करते करते जब उन्होंने ऋषि समाज को पास में पहुंचे, ऋषि लोग इनकी शरीर में जितने अष्ट सात्विक विकार था प्रेम की, स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण वपतु, कहते जो प्रेम का जो आठ विकार इनकी शरीर में प्रकट हो रहा था वो देख करके समझ गए, अगर परिग्रह महाराज का कोई उत्तर सही सही दे सकता तो यही दे सकता है। और उनको पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे हुए थे, लेकिन सबको उन्होंने जथा जी को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने व्यास आसन पर बैठ गए। जब व्यास आसन पर बैठ गए इतने में श्री परिक्षित महाराज तो प्रश्न का झरी लगा दी, बल अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्यं प्रियमानस्य सर्वथा। बोले हे श्री सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके ये बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धि, मतलब ही जगत में इसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव संपूर्ण तृप्त हो जाए। लेकिन ये दुनिया में देखना जितने बड़े से बड़े पैसा वाला क्यों नहीं हो जाए, उसको पूछ लो भैया क्या तुम तृप्त हो गया, हम कहते ना कमाई करो, कमाई मतलब क्या, कम आई और ज्यादा आनी चाहिए, कम आई आई कम और ज्यादा आनी चाहिए हैं। इसलिए कहते राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु की भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख निकारी हैं। इसलिए कहते हैं आप कृपा करके बतायो, चल लब्धात चापरम लाभम मन्नते अधिकम तत, जिसको पाने का बाद जीव को ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया, किसी चीज की कमी नहीं। जैसे ध्रुव महाराज जब उन्होंने भगवत दर्शन कर ली उनको हृदय संपूर्ण तृप्त हो गया, भगवान उसको वरदान देना चाह रहे हैं। बोले प्रभु हमें ठगने के लिए प्रयास मत करो, दो तो आपकी भक्तों की संगत हो, आपकी भक्तों के मुंह से जैसे कृष्ण कथा रूपी जो मंदाकिनी की नदी बहती है जैसे उसी में हम निरंतर गोता लगाते रहे। इसलिए बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कहते जो जगत है सबके सब ये मरणशील व्यक्ति, यहाँ पर सबके सब मरने के लिए आए हैं, लेकिन कब हम मरेंगे कभी कोई ठीक नहीं। इसलिए आप कृपा करके ये बताइए कि जो मरणशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, आप कृपा करके ये सारे प्रश्न का उत्तर दो। अब इनकी प्रश्न का उत्तर सुन करके सुखदेव श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों, जो प्रश्न है वो केवल भगवत संबंधी प्रश्न। बोले बरियान ऐसे प्रश्न, बोले वाह क्या तुमने सुंदर प्रश्न किया है, बड़े सुंदर तुमने प्रश्न किया। बोले आत्मबीत सन्मत पुंसा, तेरी प्रश्न का जो सराहना जो आत्मा में जो रमण करने वाले बड़े बड़े योगी लोग भी तुम्हारी प्रश्न की सराहना करेंगे। तो इसका उत्तर देते हैं बोले निद्रया रियते नक्तम वेवायना चवाभयम्
इवाच अर्थहय राजन कुटुंब भरण निवा। कहते हे परखीर, ये जो दुर्लभ जीवन भगवान हमें दिया है, लोग ये जीवन पाकर करते हैं क्या? बोले कुल चार ही काम करके ये जीवन को गमा देते हैं। बोले दिन में दो काम करते हैं और रात में दो काम। बोले दिन में दो काम क्या करते हैं? बोले अर्थ उपार्जन करते हैं और उसी अर्थ को द्वारा परिवार को भरण पोषण करते हैं। रात को विश्राम करते और विषय भोग संतान को जन्म देते हैं। लेकिन ये जो जीवन भगवान ने हमें मिला है, अगर ये चार ही काम करके अगर हमने ये जीवन बिता दिया, अगर जीवन पा करके भगवान के भजन नहीं किया, तो ये जीवन बेकार है, ये जीवन का कोई महत्व नहीं। इसलिए ये जीवन पा करके तभी ये जीवन की सार्थकता कैसे? ले तस्मात सर्वात्मना भारत भगवान हरिश्वर स्वतव्य कृति तपस्य स्मर्तव्य इच्छता भय। अगर जीवन में कोई अभय पाना चाहते हैं, बोले भक्ति दो तरह का भक्ति है। कहते हैं कि राग भक्ति और एक है वैदिक भक्ति। जो वैदिक भक्ति ज्यादा न करते हैं, वो भगवान को आत्मा और भगवान को भगवान मान करके भगवान सढ़ैश्वर्य पूर्ण है, उनको ऐश्वर्य मार्ग से भक्ति करते हैं। लेकिन जो राग भक्ति जाचन करते हैं, वो भगवान को अपना प्रियतम मान करके, अपना सखा मान करके, अपना लाला मान करके भजन करते हैं। इसलिए तीन भक्ति को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ रूप में बताया। भक्ति में तो रूप गोस्वामी कहते हैं 64 तरह का भक्ति है, भक्ति के अंग है। लेकिन उसको जब सार रूप में लो, उसको नौ तरह से भक्ति बताया। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य सख्य, आत्मनिवेदनम। ये नौ तरह का भक्ति है। लेकिन इसको जब उन्होंने सार रूप में लिए, कहते पांच तरह का भक्ति दिखाया। भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, साधु संग और ये नाम सक्रिय। लेकिन उसको जब उन्होंने सार रूप में लिया, फिर उसको तीन तरह का भक्ति दिखाई, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। लेकिन जब उसको सार रूप में लिया, तो बोले एक भक्ति के अंदर दिखाए, बोले कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन, इसलिए परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम। कहते अगर ये हरिनाम कीर्तन अगर कोई कलियुग में करते हैं, बोले ये हरिनाम कीर्तन से ही जीव की सर्वसिद्धि प्राप्त होगा। अगर एक व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, अगर भगवान की नाम ही 24 घंटा में 24 घंटा भगवान का अगर कोई नाम को जप करता है, ये नाम जप रूपी साधन से कहते सारे भक्ति का अंग ये हरिनाम से हो जाता है। हमारे गोस्वामी लोग क्या करते थे? 24 घंटा प्रभु का नाम ही तो करते थे। हरिदास ठाकुर क्या करते थे? दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, केवल हरि की नाम लेते थे। इसलिए ये हरिनाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ कारण किया है। जैसे श्रवण, जैसे हम कथा श्रवण कर रहे हैं, मानो यहाँ पर बैठ कर कथा सुन रहे हो, लेकिन ऐसे हो सकता मन तुम्हारी और कोई चीज को सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर बैठे हो। जैसे स्मरण करते हैं, आप देखना स्मरण करते समय तो मन और ज्यादा विचलित होता है, आंख बंद करके नींद आ जाएगी, नहीं तो ये मन और कहीं भाग जाती है। लेकिन जब आप देखो, जब आप हरिनाम कीर्तन करते हैं ना, कतल करो। इसलिए जब हम हरिनाम कीर्तन करते हैं, आप देखना ये जितने सारे इंद्रियां ये और कहीं नहीं जाते, पूरा के पूरा ये कीर्तन में ही पूरा के पूरा ये रम जाती है। आप लोग मेरे साथ में 1 मिनट कीर्तन करो। बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 जिसको थोड़ी सी जंभाई आता होगा, थोड़ी सी अलसता आता होगा, देखना कीर्तन से सब के सब जग जाते हैं। इसलिए नियम है बताए, जब ये भागवत कथा हो ना, बीच बीच में हरि कीर्तन करनी चाहिए, हैं? जय ध्वनि कीर्तन ये बीच बीच में इसको करनी चाहिए। इसलिए जितने भक्ति की अंग में सर्वश्रेष्ठ भक्ति अंग हरि नाम संकीर्तन भक्ति अंग, अतः भक्ति कीर्तन से ही सारे भक्ति का अंग जाजन हो जाता है। तो यहाँ पर अब यहाँ सृष्टि का क्रम वर्णना करते हैं, जिस समय भगवान की इच्छा हुई जगत को सृष्टि करने के लिए, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई, चारी तरफ में पानी पानी देखा, बोले मेरे सृष्टि कहाँ से हुई है, कमल नार में हजार साल तक उन्होंने अनुसंधान की लेकिन कहीं था नहीं मिला। जब फिर ऊपर में आए व्यंजन वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर सुने बोले दा अरूपा, जब उन्होंने तपस्या की भगवान ब्रह्मा जी को ये गोपाल मंत्र बंसी ध्वनि को द्वारा प्रदान की, जिस गोपाल मंत्र को जप करके ब्रह्मा जी ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि करते हैं विश्व ब्रह्मांड को। अभी ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया, ब्रह्मा जी ये सृष्टि का क्रम तुम बढ़ा, तुम लोग पीछे चले जाओ, सपना दीदी पीछे चेयर है पीछे जाकर बैठ जाओ। इसलिए ब्रह्मा जी को उन्होंने आदेश दिया सृष्टि के क्रम बढ़ाओ, इसलिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ये चतुष्ण को सृष्टि की, बोले भगवान का निर्देश ये संसार का क्रम को बढ़ाओ, बोले भैया ये घर गृहस्थ में हम फंसना नहीं चाहते, हम तो चाहते भगवान की भजन करे और मस्त रहे, ये माया के चक्कर में हम पड़ना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बोले भगवान का निर्देश संसार बढ़ाओ, ये कथा हम संसार करना नहीं चाहते। उनका क्रोध आया तो उनको भुरुर से ये रुद्रदेव प्रकट हुए, रुद्रदेव को बोले लेकिन शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम देवदेव महादेव, आप देखना शंकर जी को कहीं भी आप स्वरूप देखोगे ना ध्यानस्थ में बैठे हुए देखोगे, जब शंकर जी के ध्यान लगती है वो कल्प कल्प तक लग जाती है, ध्यान नहीं टूटती है, बोले भगवान की भजन में शंकर जी इतने डूब जाते हैं, बोले कहाँ प्रभु का भजन करनी चाहिए, पिताजी आदेश दे रहे हैं ये संसार करो, बोले ऐसे काम करो पिताजी अपने आप मना कर दे। तो उन्होंने जितने भूत पिशाचों को सृष्टि करना शुरू कर दी,
बोले ये कोई सृष्टि कर रहे हैं ना, संहार कर रहे, बंद करो। बोले भैया मैं तो यही चाह रहा था। फिर उनने परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर उनने 10 पुत्र, फिर उन्होंने मनु और स्वतरूपा को अपना शरीर से प्रकट किया, और इसी मनु महाराज से ही सृष्टि की प्रारंभ हुई। इसलिए हम लोगों को कहते हैं मानव, लेकिन हमारे साइंस क्या कहता है, कहते हैं हमारे जितने पूर्वज लोग ना सब बंदर थे, और ये बंदर का पूंछ कटते 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 जब खत्म हो गया, हम सबके सब इंसान हो गए। लेकिन हमारे श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहते हैं कि जो डार्विन है ना, इसका ही पिता माता बंदर थे। लेकिन हमारी पिता माता बंदर नहीं, हमारी पिता माता तो बोले तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु सखा तुमैव, तुमैव विद्या द्रविड़ा तुमैव, तुमैव सर्व मम देव देव। इसलिए हमारे जो पिता हैं भगवान राम है और भगवान कृष्ण है। अब किसी भी धर्म का ग्रंथ उठा करके देखो, हमारी भगवत गीता को उठा करके देखो, कृष्ण वहां क्या कहते हैं, बोले ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते जगत में जितने जीव सब मेरे बच्चे हैं, भगवान खुद कहते हैं। आप बाइबल उठा करके देखो, ये क्रिश्चियन का ग्रंथ है, वहां पर बताए गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, भगवान ने अपना जैसे उन्होंने इंसान को बनाया। अब मुसलमान का कुरान को पढ़ करके देखो, वहां पर कहते हैं अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया। इसलिए किसी ग्रंथ धर्म ग्रंथ को उठा करके देखो, कहीं नहीं बताया ये बंदर से ये इंसान हुए हैं और इनकी पूंछ कटते कटते खत्म हो गया इंसान हुए। तब उसी समय बंदर इंसान क्यों हुए, वृंदावन में कितने बंदर घूम रहे ना, अभी कोई बंदर कोई इंसान बन रहा है, उसी समय बंदर क्यों बने, अभी क्यों बन रहे, बंदर इंसान नहीं बन रहे ना। इसलिए डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, बोले सरकार इसको जोर जबरदस्ती किया था, तुम ये फिलोसफी को स्थापित करो लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, वो मरने समय बोल कर खुद गया। लेकिन ये विदेश में अमेरिका में जाओ, ये कलेज में पढ़ाई नहीं होती है। आश्चर्य की बात, जिस देश में भगवान राम, जिस देश में भगवान कृष्ण आए, जिस देश में भगवान के सारे अवतार हुए, उसी देश में कॉलेज में बच्चों को ये सब फिलोसफी पढ़ाया जाता है। क्यों, बल्कि इनको नास्तिक बनाने के लिए। इसलिए भैया ये मनु महाराज से हम हुए हैं, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। इसलिए हमारे भारत में देखना सभी की गोत्र है, सबका गोत्र है कि नहीं, सभी की बातें हैं। इसलिए सबकी अलग अलग गोत्र है, किसका वशिष्ठ, किसका पराशर, किसकी व्यास, देखना ये सबके सब अलग अलग गोत्र हैं। कभी गोत्र सब आया कहां से गोत्र, बोले जिस ऋषि की परंपरा से हम आए हैं। कथा इसकी देखो, अब कथा सुनो, कथा में डिस्टर्ब, अब बैठ जाओ कथा। इसलिए जिस ऋषि की परंपरा में हम आए हैं, इसलिए ये वो हमारी गोत्र हैं। इसलिए मनु महाराज से हुए हम, इसलिए हम लोग को मानव कहते हैं। इसलिए मनु महाराज ने के ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम मनुस्मृति। ये मनुस्मृति ग्रंथ में हमारी क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य, पिता माता को कैसे आदर देनी चाहिए, कैसे परिवार को आदर देनी चाहिए, ये संसार में कैसे हम सुख से रह सकते हैं, ये मनु महाराज ने ये मनुस्मृति ग्रंथ में बड़े सुंदर रूप में उन्होंने ये ग्रंथ को उन्होंने वर्णना करते हैं ये मनुस्मृति ग्रंथ में। इसलिए हम सब के सब मनु महाराज से हुए, हम कोई बंदर से नहीं हुए हैं। इसलिए मनु महाराज से 2 बेटे और 3 बेटी हुई, जिससे ये संपूर्ण ये विश्व ब्रह्मांड, ये संसार धीरे 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 वहीं से ही इतना बड़ा संसार बन गया। इसलिए यहाँ पर श्री कर्दम ऋषि की कथा आती है, कहते जिस समय से कर्दम ऋषि कठोर तपस्या की, ये तपस्या में संतुष्ट होकर के भगवान दर्शन दिए, बोले बेटा क्या चाहते हो, बोले आपके चरण में हमें अचला भक्ति मिले, बोले कथा सुनो, बोले और कुछ चाहते हो, बोले प्रभु जी मेरे मन में तो कोई घर गृहस्थ की इच्छा है ही नहीं, लेकिन चूंकि आपकी इच्छा ये सृष्टि का क्रम बढ़े, लेकिन आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं शादी कर सकता, लेकिन 2 शर्त, बोले बताओ क्या शर्त है, बोले पहला शर्त है
अगर आप मेरे बेटे बनकर के आओगे ना फिर मैं शादी कर सकता हूँ। बोले ठीक है मैं बेटा बनकर के आऊंगा। बोले दूसरा शर्त क्या है? बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक मेरे संतान नहीं हो जाए, उसको बाद में फिर हम भक्ति करने के लिए चले जाए। देखो यहाँ मनु महाराज जी भी, यहाँ पर श्री कर्तव्य ऋषि भी यही शिक्षा देते हैं, भैया संसार में हमें ज्यादा दिन हमें संसार में नहीं रहनी चाहिए। बस संतान हो गए, संतान बड़े हो गए, बस उनको छोड़ करके, इसलिए एकावन हम सुन रहे थे ना, एकावन शास्त्र कहता है 50 साल के बाद में घर में मत रहा करो, मना कर देता है। इसलिए एकावन बावन चौवन ये बनवन शब्द आता है। फिर उसके बाद में 68, 60, 61, 62 मतलब क्या? अगर उसी समय में भजन नहीं करोगे ना पर तुम सठिया बन जाओगे, तेरा कल्याण होना बड़ा कठिन है। इसलिए पहले आप देखो दशरथ महाराज को देखो, अब रामायण देखे हो, जब दशरथ महाराज सीसा में एक दिन एक बाल को पकते हुए देखा, बोले और संसार में नहीं रहनी चाहिए, राम को राज्याभिषेक करके हम वानप्रस्थ में जाना चाहते है। नंद बाबा भी ठीक वैसे नंद बाबा को किया, सारे जितने हमारे पूर्वज लोग हुए 50 साल के बाद में कोई घर में नहीं रहते थे। देखो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना था, आप लोग बुरा मत मानना, मेरे गुरु जी ये कथा सुनाया करते थे, आप अच्छे तरह से सुनो। जो लोग बोलते ना घर में रह करके भजन करेंगे उनके लिए इतनी शिक्षा मतलब मेरे गुरु जी कहते थे। बोले एक समय एक व्यक्ति थे जिनका 3 बेटे थे, जद्दू श्याम और राम। जब पिताजी पहले सब गीता भागवत रामायण पढ़ते थे इसलिए सबको ये ज्ञान होता था कि जीवन दुर्लभ है, इसी मानव शरीर में ही साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सबरा। ये मानव शरीर मुक्ति की दरवाजा पर हम पहुंचे 84 लाख जन्म के बाद में, लेकिन ये जीवन पाकर के जो मुक्ति के मार्गों को प्रशस्त नहीं करते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते भैया सिर पिटते रह जाओगे लेकिन भगवान की फिर ये इंसान का जीवन तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोगों को भावना रहती थी भजन करनी चाहिए। जब उनके बच्चे बड़े हो गए एक दिन उन्होंने तीनों बच्चों को बुलाए, बोले बच्चों तुम लोगों को लिखाया पढ़ाया शादी करवा दिया दुकान मकान सब करवा दिया, अभी तुम लोग पूर्ण हो, हम चाहते हैं वृंदावन में जाकर के सहज जीवन हम सत्संग में बिताए और प्रभु की भजन करें। तीनों बेटे राजी हो गए, बोले पिताजी कोई बात नहीं, हम तीनों बेटे खूब पैसा कमाते हैं, थोड़ी थोड़ी पैसा लेकर के आपके लिए किराए घर ले लेंगे, आप जाओ वहीं पर खूब भजन करो खूब सत्संग करो। जब ये बोल करके चले गए ना, उनका 3 बहुएं थी, तीनों बहुएं ने तीन बेटों को बोले बोले इधर आओ, बोले ये बूढ़ा कान में क्या मंत्र दे रहा था, बोले ये बूढ़े कान में क्या मंत्र दे रहा था, बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले कल भी ये बूढ़े को साथ में तुम तीनों अपना बिस्तर बांधो बेड़ी बांधो और ये बूढ़े को साथ में तुम तीनों वृंदावन जाओ। बोले ऐसे क्यों कह रहे हो, बोले थोड़ा अकल तो है नहीं। अरे ये बूढ़ा जब दरवाजा पर बैठता है एक बिना पैसा का दरबार का काम होता है, ये बूढ़ा जब बच्चे को पकड़ता है बिना पैसा का एक नौकर का काम होता है। अगर ये बूढ़ा चले जाएगा वृंदावन आपको 2 नौकर रखना पड़ेगा कि नहीं, कि दरवान और एक नौकर, और इतने विश्वस्त इतने जो विश्वास कोई नौकर और दरवान मिलेगा तुम कैसे, फिर उल्टा तुमको पैसा देना पड़ेगा महीना महीना में। इसलिए भैया तुमसे घर गृहस्थ नहीं होगा, कल भी बूढ़े को साथ में जाओ वृंदावन पास कर, अभी तो बच्चे चू। बोले कोई चिंता मत करो, फिर अगर ये बूढ़ा बुलाए ना हमें थोड़ा याद कर देना, लेकिन वो कहे थे कल ही व्यवस्था कर देंगे, लेकिन 10 दिन बीत गया बच्चे कुछ बोलते नहीं। इतने में गुरुजी फिर पिताजी बुलाए, बोले जदू मधुराम इधर आओ। बोले क्या पिताजी? बोले तुम लोग बोल रहे थे कल ही व्यवस्था कर दोगे लेकिन 10 दिन ही हो गया कोई बात नहीं कर रहे हो, अरे जीवन बीतते हुए जा रहा है। इतने में तीनों बहुना तीनों बच्चों को लाए और पिताजी की गोद में बैठा दिया, अभी तक कभी चरण नहीं छुए, आज इतने चरण धुल ले रहे थे इतने चरण धुली। बोले पिताजी पिताजी ये बूढ़े उम्र में कहाँ वृंदावन जाओगे, आपको सेवा नहीं मिलेगा, इसलिए आप कहाँ जाओगे वृंदावन में, ए बारम्बार चरण धुल। बूढ़ा तो सरल था उसका हृदय तो पिघल गया,
अभी तक मैंने कभी इतने भक्ति दिख नहीं। बोले ठीक ठीक है, अगर तुम लोगों को इच्छा नहीं, तुम लोग ही हमारी गृह लक्ष्मी हो, ये तीनों बच्चे ही हमारी गोपाल, लेकिन एक काम करियो, एक भगवत गीता ला करके दे दो, घर में बैठी बैठ कर पढ़ूंगा। बच्चे बोले पिताजी कोई चिंता नहीं, घर में खूब गीता पढ़ो। लेकिन एक महीना हो गया कोई गीता भी ला करके नहीं दे रहे। बोले बच्चों बोल रहे थे कम से कम एक गीता ला दोगे, घर में बैठ करके पढ़ूंगा, गीता भी नहीं लाई है। बड़ी कष्ट से कहीं एक भगवत गीता लाई। पिताजी जब घर में ये गीता खोल कर बैठे ना, इतने में तीनों बहू आए। बोले पिताजी घर में क्यों बैठो, बाहर बैठो ना, वहां पर गेहूं चावल आंगन में सुखाने के लिए दिया, वहां बैठो ना, लो डंडा लो, वहां कौवा अगर आए नहीं तो बकरी आए उसको भगा कर रहना और देखते रहना। बस जब गीता का एक श्लोक पढ़े नहीं, बस कौवा खाने आने लग गए, चिड़िया चुगने लग गए, बकरी आ गए फिर भागे। फिर तीनों बहू ने तीनों बच्चों को लाकर पिताजी गोद में बैठा दिया। बोले बच्चों को भी देखो और ये गेहूं को भी देखो और पढ़ो। कहते एक लाइन भी पढ़ नहीं पाए। एक लाइन पढ़ने के लिए जाए कोई बच्चा रोए, कोई है पेशाब कर दे, कोई भागे, बस हो भजन भजन हो। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, ये घर गृहस्थ में नहीं रहते थे, क्या करते थे, धाम में चले जाते थे। धाम में जा करके एकांत में रह करके फिर तो सत्संग भजन करते थे। इसलिए ये शास्त्र कहता है एका बन बा बन चौ बन, ये बन बन शब्द आता है। और हमारे श्री अशोक भैया जो ये कथा करवा रहे ना, बुद्धिमान व्यक्ति है ये, बड़े इनके लिए ताली बजा, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति है। इन्होंने हिंदू घर में सब जिसने कथा करवा सब कुछ रहते हुए भी घर छोड़कर यहीं पर रहे, दोनों पति पत्नी, पत्नी का नाम राधा माता जी है ना, पत्नी का नाम ही राधा भैया, वहां पर सब दज कर बैठी हुई मैया जसोदा बन करके। इसलिए इन्होंने इसी उम्र में मंदिर में रहते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, माला जपते हैं, बस कोई झूठ झामला नहीं। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। इसलिए श्री करदम ऋषि भगवान से यही पर मांग लेते हैं, बोले प्रभु तब तक संसार में रहूंगा जब तक बच्चे नहीं हो जाए। बोले तथास्तु। अभी करदम ऋषि को साथ में शादी हो गई माता देवती को, मनु महाराज ने बहुत समझाए बेटी को। बोले देख बेटी, तेरी हाथ में दोनों कुल का इज्जत तो तुम्हारी हाथ। अगर किसी बहू किसी घर में शादी होकर के जाती है, अगर सास ससुर भी आदर करती हैं, सबको ले करके चलती हैं, किस किसका सुनाम होता है, पिता माता की। वाह पिता माता इतनी अच्छी शिक्षा दे करके बेटी को भेजे। अगर बेटी अगर कोई गड़बड़ करती तो किसकी बदनामी होती है। बोले तेरे पिता माता यही सिखा करके तुमको भेजा यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर श्री मनु महाराज समझा करके भेजते हैं, बेटी सावधान, ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे तुम्हारे पिता माता के ऊपर अंगुल उठे। लेकिन अभी दुनिया अलग हो गया, कुछ भी घर में थोड़ी सी हो गया ना, जब फोन दे दे फोन, पिताजी ऐसे हो गया, मैया ऐसे हो गया है बार बार। और अभी जो डाइवोर्स का ना ये सब कारण बन रहा है, थोड़ी सी कुछ हो गया तो फोन फोन है। इसलिए जब डाइवोर्स का नौबत आ जाती है, इसलिए उन्होंने अच्छे तरह से उन्होंने समझा करके उन्होंने भेजे। जब उन्होंने शादी की इतने में उसको बाद में फिर भजन में बैठी गई करदम ऋषि। फिर माता देवती अपनी पति प्रता धर्म को करा, उन्होंने पति की बड़ी उन्होंने सेवा की, इतने सेवा की 10,000 साल तक भजन में बैठे। आंख खुला तो ये भी भूल गए मैंने कभी शादी की। देखा सामने एक बुढ़िया बैठी हुई, बोले तू कौन हो। बोले आप कभी शादी की आपकी याद है। बोले तू वही देवती। बोले हाँ मैं तो वही देवती। लेकिन ये आकृति देवती प्रसूति इतनी सुंदरी थी, जब वो अपना आंगन में खेलती थी, जिनकी सुंदरता को देख करके देवता लोग भी बेहोश हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, इतनी सुंदरी थी। लेकिन उसने पति की सेवा करते 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 बुढ़ी हो गई। लेकिन देखो जो ऐसे जो भजन करने वाले जो पति, अगर उनकी कोई अगर सेवा करके देखो पति प्रता धर्म की कितने महत्व। बोले बताओ तुम क्या चाहते हो। बोले आपने शादी क्यों किया था। बोले जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करते ही पहले जितने सुंदरी थी उससे भी और सुंदरी बन करके प्रकट हुई।
हजार हजार दास दासियां प्रकट हुई, उसकी बड़ी सुंदर को कंघी से उनका श्रृंगार की, श्रृंगार करके अपना तप प्रभाव से उन्होंने कामक विमान को प्रकट किया। देखो पहले जो साइंस है ना, अभी का साइंस से ज्यादा एडवांस था वो कामक विमान। क्या मतलब कि उसमें पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, जैसे चाहोगे वैसे ही उड़ेगा। वहां पर वर्णन आया है वो विमान कितने बड़ी कितने क्रोश तक थी, जिसमें सुंदर रात महल, जिसमें सुंदर सरोवर, चार तरह का कमल फूल खिले हुए, राज हंस क्रीड़ा करते हैं, और वहां पर ऐसे जो बैठेगा ना वो बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगा, उसको कहीं भूख प्यास नहीं लगेगी। अभी एरोप्लेन ऐसे है, इसलिए पहले का जो साइंस है ना बहुत एडवांस था पहले साइंस ही, और उसमें उन्होंने भ्रमण करते रहे, बड़ी सुंदर सुंदर नौट उनकी कन्या हुई। बोले देवती अभी तो खुश हो गए, बोले नहीं ये बेटी तो शादी होकर अपना ससुर घर चली जाएगी, मेरे पास में कौन रहेगा, आप भगवान से वर मांगे थे ना, आप मेरे बेटे बन करके आओगे। फिर उन्होंने पति की सेवा की तो भगवान स्वयं कपिल मुनि बन करके आए। बोले कपिल भगवान की, जब कपिल मुनि बन करके आए, अभी उन्होंने आप लोग ने बेटियों को घर में शादी करवाया होंगे, आप देखना जब एक बेटी शादी हो जाए ना घर पूरा खाली हो जाती है ना, एक बेटी को शादी करते, लेकिन इनकी नौ नौ बेटियां हैं, लेकिन पिताजी का पहला कर्तव्य है अपना बेटियों को पहले शादी करवाए। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी अपना नौ बेटे को लेकर के आए, नारद तो पहले ही वैराग्य है, नौ बेटे को लेकर के आए। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी, नौ बेटी और नौ बेटे एक साथ में उन्होंने शादी करवा दिया, घर खाली हो गई। यहाँ शिक्षा देते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर सचमुच से हृदय से जो भगवान की भक्ति करे ना, भैया बेटी की शादी की कोई चिंता मत करो, जैसे नरसिंह भक्त शादी करवाए ना बेटी की, बेटी को क्या उन्होंने शादी करवाए, भगवान स्वयं सावरिया सेठ बन कर गए। अब देखे होंगे हीरे जवाहरात की बरसात होने लग गई, ऐसे उन्होंने शादी करवाए। अभी नौ बेटी चले गए और घर में तीनों व्यक्ति रह गए। तब श्री कर्दम ऋषि अभी भजन करने के लिए चल पड़े, तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भैया कहाँ जा रहे हो। बोले भजन करने के लिए। बोले भजन किसको करने के लिए। बोले भगवान को। बोले भगवान तो तुम्हारी घर में बेटे बन कर आए, घर में भगवान रहते फिर भजन किसको करने के लिए जा रहे क्यों। तो उन्हें इसका तीन कारण बताए, आज आपको मैं सुनाऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है। ठीक है, क्यों भगवान घर में रहते हुए भी भगवान को उन्हें घर में रख करके भजन के लिए क्यों जा रहे हैं। पहला कारण बताए, हमारी जो लक्ष्य है ना, हमारी लक्ष्य भगवान नहीं है, हमारी लक्ष्य है प्रेम। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रेम धन बिना मोर दरिद्र जीवन। अगर जीवन में भगवत चरण में प्रेम नहीं तो वो सबसे बड़ा दरिद्र है। बोले जगत में सबसे बड़ा धनी कौन है, बोले जिसको हृदय में ठाकुर का पति प्रेम है, प्रेम ही मूल है। जैसे ध्रुव महाराज जब उन्होंने भजन की, ध्रुव जी ने भगवान को पास में नहीं गए थे, भगवान ध्रुव जी को पास में आए। जब ध्रुव ने कठोर तपस्या की, जैसे कहीं आप यात्रा देखने के लिए जाते हैं कैसे सब धज करके जाते हैं, एक दिन वैकुंठ में भगवान सब धज करके रथ में बैठने जा रहे थे, तो वैकुंठ वासियों ने पूछा प्रभु आप कहाँ जा रहे हो। बोले ध्रुव जी को दर्शन करने, ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा हूं, दर्शन देने नहीं। इसलिए आप बताओ गोपियां कृष्ण को पास में आते थे ना, कृष्ण गोपियों को पास में आते थे, कृष्ण रोज रोज ये गोपियों के घर में आते थे, अरे मक्खन चोरी करते थे इनके घर में, गोपियां कृष्ण को पास में नहीं जाती थी। क्यों, जो प्रेम है, रूप गोस्वामी कहते प्रेम का दो लक्षण है, कहते सांद्र नाथ का विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षण चसा, जैसे दूध को गर्म करते करते जैसे राबड़ी बन जाती है, जब ये भक्ति गाढ़ी बन जाती है इतने स्वाद उसमें इतने आनंद है, कहते प्रति पदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, कहते प्रति पद पद में वो पूर्ण अमृत का आस्वादन करते हैं।
और इसका जो दूसरा लक्षण है श्री कृष्ण दर्शन चसा। उदाहरण दिया जैसे कोई फूल खिल जाए, कहते ये फूल भौरा को पास में नहीं, भौरा फूल को पास में आता है। जैसे कोई फूल खिल जाए भौरा क्या करता है, आकर के चारों तरफ में मंडराने लग जाते और वो मधु को पान करते हैं। उसी तरह हृदय में जब प्रेम प्रकट हो जाएगा ना, फिर आपको भगवान को पास में नहीं, भगवान आपको पास में आएंगे। ये प्रेम के विशेष लक्षण है, इसलिए हमारे प्रेम ही प्रयोजन है। समझाते हैं जैसे रावण, रावण में तो राम को देखा, देखा कि नहीं, देखा कि नहीं, मेघनाथ ने राम को देखा कि नहीं, लेकिन उसने क्या किया, युद्ध किया ना, लक्ष्मण को शक्ति सेल की प्रयोग की और उनको नागफास बंधन में बांध दिए। रावण स्वयं भगवान राम को साथ में सामने खड़े युद्ध कर रहे हैं। शिशुपाल का नाम सुने होंगे, कृष्ण सामने खड़े, 101 गाली निकाला भगवान को, इतने गंदी गंदी, तो उसका हृदय क्यों परिवर्तन नहीं हुआ। चारों मुष्टि कृष्ण बलराम के साथ में मल्ल युद्ध कर रहे थे, छाती में छाती, जंघे में जंघे, बाहु में बाहु, बताओ इतना कम, इतने नजदीक इसका संग होगा, लेकिन चारों मुष्टि का क्या सोच रहे थे, मौका मिले ना इसको पीस डालेंगे। क्यों भगवान को दर्शन करके लाभ क्यों नहीं हुआ, कारण है इनके हृदय में भक्ति नहीं थी। अगर तुम्हारी अंदर में भक्ति नहीं ना, अगर भगवान के दर्शन भी मिले, तुम्हारी कोई भी लाभ होने वाले नहीं। देखो ठाकुर अंदर में दर्शन है ना, ठाकुर तो अंदर में खड़े दर्शन कर रहे, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं होने के नाते ठाकुर दर्शन करने पर भी हृदय हमारे द्रवीभूत नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कौन घर में बैठे बैठे हुए, लेकिन कर्दम ऋषि जंगल में गए भजन करने के लिए। बोले क्यों, बोले जब तो कोई साधन नहीं करेगा ना भैया, साध्य वस्तु तुम्हें नहीं मिलने वाली, इसलिए साधन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने घर छोड़े। दूसरा कारण बताए, उनको पता है मेरे बेटा भी एक दिन घर छोड़ करके भजन के लिए जाएगा, जहाँ भगवान स्वयं घर में बच्चे बन करके आए, फिर भगवान घर छोड़ करके चले जाए, कितने दुख की बात। बोले भैया तू जाने से पहले मैं ही चले जाता हूँ। तीसरा कारण बताए, कर्दम ऋषि की जो भगवान की प्रति जो स्वभाव की भावना दास्य रस है, भगवान मेरे प्रभु मैं इनका सेवक हूँ। लेकिन ठाकुर जी घर में बेटे बन करके आए, जब बेटे बन करके आए पिताजी को तो बेटे रूप में देखना पड़ेगा ना, उनने देखा ये जो प्रेम है ना, ये जो भावना, ये आपस में लड़ाई हो रहा है। वो चाहते हैं भगवान को भगवान रूप में देखे, लेकिन वो बेटे रूप में आए, बात्सल्य रस प्रकट हो रहा है, इसलिए देखा भैया रस में लड़ाई हो रहा है, इसलिए उन्होंने घर छोड़कर कहाँ चले गए, जंगल में घर छोड़कर के चले गए। घर में बेटा और माँ है, लेकिन माँ को पता मेरा बेटा भगवान है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो ज्ञान ऐसे एक चीज है ना, जिसको पास में ज्ञान हो सारा दुनिया में उसको कोई ज्ञान उसको पूज्य बना देता है। इसलिए माँ होने पर भी उन्होंने आज आ करके हाथ जोड़ करके बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, कभी पियर में, कभी ससुर घर में, कभी बेटे में, कभी नाती में। देखना पुरुष लोग का ज्यादा घर गृहस्थ की इतना चिंता नहीं रहता, पुरुष लोग को पैसा कमाई और पत्नी को पैसा दे दिया, अब बताओ घर दुनिया कौन देखता है, पत्नी तो देखती है ना। बोले हम स्त्री जाति बड़ा मन चंचल है बेटा, अब बताओ मन का शांति कैसे मिले और ये मन को भगवान के भजन में कैसे लगाए। भगवान ने बोले माँ जो मन है ना, बोले मन एव मनुष्यानाम कारण बंधम मोक्षव, बोले ये मन को जब मन मोहन में लगा दो यही मुक्ति की कारण बनेगी, लेकिन ये मन को जब विषय में लगा दो बेटा कहते वो बंधन का कारण बनेगा, इसलिए माँ ये मन को भगवान के चरण में लगाओ। बोले बेटा तू तो बोल दिया भगवान के चरण में लगाओ, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, मन तो बड़ा चंचल है। बोले मैया सबसे सरल उपाय है, बोले क्या है, स एव साधु सुकृत, ये साधु संग तुम करो, जब तुम साधु संग करोगे ना, बस एक चीज और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल साधु संग करो। इसलिए बोले सतांग प्रसंगात
मम वीर्य संविदौ भवती हृत्कर्ण रसायन कथा ताजो सन आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनोक्रमिसति। बोले मां जब तू साधु की संग करोगे क्या होगा, उनकी प्रसंग में जो मेरी ब्रजवती कथा होती है वो बड़ा ताकतवान है, इसलिए यही कथा ही धीरे धीरे भगवान के चरण में श्रद्धा फिर प्रति और यही प्रेम एक दिन भगवत प्राप्ति करा देगी माँ। इसलिए माँ ये साधु संग करने से अप वर्ग वर्धमनि जो प वर्ग है प ह ब भ और म ये प वर्ग कितना कचड़ तब गजड़ धब ये जो प वर्ग है ये संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। प मतलब परिश्रम, बोले भ मतलब भेद, बोले ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय और म मतलब मृत्यु। ये जो पांच चीज माँ अगर तू साधु श्रम करोगे ना बस सब सार्थकता हो जाएगी। सब संसार में देखना एक एक भक्त भी स्वामी जी एक सुंदर उदाहरण दिए, बोले राम नाम की अंक है सब साधन की सुना। एक रख करके सिद्धार्थ में जीरो देने से कितना होगा 10, और एक जीरो दो कितना होगा 100, और एक जीरो दो कितना होगा 1000। जब एक रख करके एक एक जीरो दे रहे हो 10 10 गुण हो रहा है। कल एक